सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। और इससे पहले आप लोग कई वीडियो देख चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो उस वीडियो को आप दोबारा देखिए, अगर दोबारा भी ना समझ में आए तो तिबारा देखिए, और अगर आपको कई बार ना समझ में आए तो आप कई बार देखें ताकि आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप अगली वीडियो के साथ बहुत ही सहज महसूस कर सकें। इसीलिए आपको पुराना वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया कहीं ना कहीं उत्सर्जन से जुड़ी हुई है और उत्सर्जन और पाचन क्रिया कहीं ना कहीं श्वसन क्रिया से जुड़ी हुई है। इसलिए सभी को एक दूसरे से आपस में जोड़ना होगा, फिर उसके बाद ही समझना होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सांस लेने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है और जो सिस्टम होता है उसके बारे में ज्ञान और विवेक से संबंधित आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। और याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिरकार सांस लेना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उस सांस के माध्यम से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने इस सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी प्रशासनिक सिस्टम पे जाएं, ये सिस्टम शरीर का है। जैसे सारी प्रशासनिक व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी अपनी एक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था से आपको समझना होगा। आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, ये एक फेफड़े का चित्र है, लंग्स का स्ट्रक्चर है, यानी ये वाह यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, यह इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसीलिए आपको इसको आंतरिक रूप से ही समझना होगा। हमारे शरीर में फेफड़े, ये जो आप रिब्स देखते हैं, यहाँ पर पसलियाँ पाई जाती हैं, 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, यानी इन्हीं पसलियों के पीछे साइड में आपके दो फेफड़े पाए जाते हैं। दो फेफड़े क्यों पाए जाते हैं ये भी आपको बता पाना शायद हमारे लिए भी मुश्किल होगा और किसी और के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो शारीरिक संरचना आपके शरीर में फिट कर दी गई है ईश्वर के द्वारा या समथिंग संरचना के द्वारा, उसे न तो हम बदल सकते हैं, बस हम उस संरचना को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, फेफड़े जो होते हैं वो दो हैं और उनके बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट में एक हार्ट होता है जो आपके सामने यहां पर उपस्थित है, और ये हार्ट की वजह से ही आपका जो लेफ्ट लंग्स है, बायां फेफड़ा है, थोड़ा सा छोटा होता है। अगर इस हार्ट को हटा दीजिए तो राइट और लेफ्ट लंग्स लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं साइज में, लेकिन अगर ये हार्ट बीच में है, थोड़ा सा लेफ्ट है, तो 100% लेफ्ट लंग्स आपका छोटा हो जाता है। और समझते हैं, लंग्स हल्का लाइट पिंक कलर का होता है। अगर आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो समझ जाइए वो काला होता है, और अगर आप दिल्ली जैसे प्रदूषण से भरपूर शहर में रहते हैं तो भी आपका लंग्स काला होता है। इसीलिए आपको अपने बच्चों को बचाना होगा, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो पैसिव स्मोकिंग बहुत खतरनाक है। मतलब अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना उस धुएं को सूंघने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए फेफड़ों में शुद्ध हवा चली जाए, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिसके माध्यम से हम अशुद्ध वायु को शरीर के भीतर ले जा सकें। उससे पहले मैं आपको ये फेफड़ों के बारे में वर्णन करूंगा, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए, ये माउथ है, सबके पास होता है, बोल भी उसी से रहे हैं। ये नासा द्वार है, वैसे मैं आपको हिंदी में भी लिखता चलता हूं, ये नासा द्वार है, ये मुख है। नासा द्वार का मतलब ये नहीं है कि ये कोई अमेरिकन कोई संस्था है, ये नासा का मतलब होता है, ये शुद्ध भाषा में हम इसे नासा ही कहते हैं, नासा द्वार के नाम से जाना जाता है।
हम लोग नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी सांस ले लें। लेकिन नाक से सांस लेने में फायदा है, क्यों? नाक में आपके छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो वो हेयर इससे टकरा जाते हैं, यानी वायु से टकरा जाते हैं, तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वह डस्ट पार्टिकल इन हेयर्स में टकरा करके आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार से आपकी नाक में म्यूकस होता है, म्यूकस जानते होंगे, पेट से नाक में आता है। आप लोग जानते होंगे जब आप बचपन में छोटे थे तो आप कभी ना कभी इस प्रकार से किया करते थे, आप जानते हैं वो बड़ा टेस्टी होता है, हमारे भी बच्चे हैं उन्हें भी टेस्टी लगता है, और हमें आज भी अगर महसूस हो जाए तो कभी कभी हम भी महसूस कर लेते हैं। उसमें जाके धूल मिट्टी फंस जाती है, और धूल मिट्टी फंस जाती है तो हम उसे नाक से निकाल करके या तो फेंक देते हैं या तो फिर से मुंह में ले जाते हैं, कई लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा। तो याद रखिए उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी जाके फंस जाती है, हम शुद्ध एयर यानी प्योर एयर अंदर की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप मुख से सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया सब कुछ आप मुख के माध्यम से ले जाते हैं, और ले जाने के बाद आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, आपके फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, और संक्रमण के माध्यम से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। और जानते हैं हवा नहीं तो जीवन नहीं, इसीलिए हवा अच्छी लीजिए और जीवन भी अच्छा जिए। तो देखिए नाक से सांस लेना क्यों आवश्यक है बता चुका हूं, मुख से सांस लेना क्यों आवश्यक नहीं है इसलिए मैं बता चुका हूं। आप लोगों ने बाबा रामदेव को देखा होगा अनुलोम विलोम करते हुए, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा अनुलोम विलोम करते हुए, इसीलिए क्योंकि नाक के माध्यम से ही आप शुद्ध वायु को अंदर ले जा सकते हैं, इसीलिए नाक के माध्यम को ही उपयोग करिए, मुख के माध्यम का उपयोग कम करिए। और जानते हैं लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो क्या जरूरत है आपको फिल्टर करने की, कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसमें तो पहले से ही फिल्टर लगा होता है। नहीं नहीं ये तो हंसने की बात हो गई, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, फिल्टर वहां लगा होता है इसमें क्या आवश्यक है, ये सब हंसने वाली बातें हो गई। इसलिए आप सांस लीजिए मुख से और नाक से, लेकिन नाक से लेने में फायदा है, उसी के जस्ट नीचे अब उतरते हैं थोड़ा सा, ये लाइन एक्चुअल में होती नहीं है, ये एक ही ट्यूब है। पहले आपको जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने वहां बताया था ये ग्रास नलिका है, ईसोफेगस, और उसी नली को हम यहां पर फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए ग्रास नलिका और फेरिंग्स दोनों एक ही ट्यूब के नाम से जानी जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो एक ढक्कन होता है यहां पर, इसे हम कैप कहते हैं, और इस कैप का नाम है एपिग्लॉटिस, या हम इसे शुद्ध भाषा में हिंदी में घाटी द्वार के नाम से जानते हैं। जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय ये खाने वाली नली पर बंद हो जाता है, और जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय ये सांस वाली नली पर बंद हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी हम खाना खाते समय बात करते हैं तो हमारी नाक से चावल निकल जाता है और हमारी एकदम हालत खराब हो जाती है, यहाँ भयानक दर्द होता है और एक अजीब सी फीलिंग होती है और आपको ऐसा महसूस होता है कुछ सिस्टम सा हिल गया है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाना खाते समय बात मत करिए वरना आपके साथ ऐसे हादसे हो सकते हैं। बस ढक्कन ठीक से बंद रखिए, जिस समय खाना खाइए उस समय बात मत करिए, और जिस समय सांस कर लीजिए उस समय भी बात मत करिए, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक बार में एक ही क्रिया हो सकती है, या तो आप सांस अंदर ले जा सकते हैं या तो आप खाना अंदर ले जा सकते हैं, दोनों प्रक्रिया एक साथ आप पूरा नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके जस्ट नीचे ये लैरिंग्स है, परीक्षाओं में खूब प्रश्न इससे पूछा जाता है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, यानी ये स्वर तंत्र है। आप थोड़ा सा यहां से नीचे की ओर आइए, यहां देखिएगा एक बड़ा ही मुलायम सा भाग होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है यहां पर, और यहां पर जब आप बोलते हैं तो नीचे की ओर वाइब्रेशन होता है। जरा उंगली लगाइए यहां पर, आप बोलिएगा वाइब्रेशन होगा तो आपकी आवाज निकलेगी, और वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारी आवाज के लिए मुख्यतः जो जिम्मेदार है
उसका नाम है लैरिंग्स, याद रखिएगा। और फेरिंग्स क्या है, वो एक ट्यूब की तरह काम करता है, दिस इज रेस्पिरेटरी ट्यूब, श्वसन नलिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए लैरिंग्स के नीचे आते हैं तो आपका लंग्स वाला जो पार्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उस पार्ट्स को डिवाइड करने में जो मेन रोल प्ले करता है उसका नाम है ट्रैकिया। हम लोगों में तो ट्रैकिया एक ऐसा अंग है जो सिर्फ फेफड़ों का भाग है, लेकिन ट्रैकिया कॉकरोच में क्या होता है, मेन ऑर्गन होता है। हम लोगों में मेन ऑर्गन कौन है, फेफड़े या लंग्स, लेकिन याद रखिएगा ट्रैकिया कॉकरोच में मेन ऑर्गन होता है, हम लोगों में तो फेफड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं ट्रैकियल ऑर्गन किसका मुख्य श्वसन अंग है, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कॉकरोच का। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमने देखा कॉकरोच के लिए, आएगा खाएगा मर जाएगा, लाइन खींच दी जाती है मिट्टी की लाइन, और लोग कहते हैं कॉकरोच मर जाएगा, अगर आएगा तो खाएगा तो मर जाएगा। वो लोगों की गलतफहमी है और लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। कॉकरोच के दोनों तरफ सर वाले हिस्से में दोनों तरफ ट्रैकिया पाए जाते हैं, और इसमें अगर आपने यहां पे लाइन खींच दी मिट्टी से तो कॉकरोच क्या होता है, इससे आता है टकराता है और इसका ये ट्रैकिया ब्लॉक हो जाता है, और जब ट्रैकिया ब्लॉक हो गया तो कॉकरोच उल्टा हो जाता है और ऐसे ऐसे करता है और कॉकरोच मर जाता है। अगर हम कॉकरोच की मुंडी को यानी जो हेड पोर्शन है उसको अलग कर दें तो अगले 10 दिनों तक कॉकरोच मरेगा नहीं, क्योंकि सांस वो मुंह से नहीं लेता, नाक से नहीं लेता, सांस लेने की प्रक्रिया उसके बॉडी के पार्ट्स में किनारे से पाई जाती है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी भी नाक और मुंह बंद कर दें तो जैसे कॉकरोच ऐसे ऐसे करता है वैसे आप भी तो ऐसे ऐसे ही करेंगे, तो इसीलिए ट्रैकिया कॉकरोच में मेन ऑर्गन है, हम लोगों में मेन ऑर्गन फेफड़े होते हैं। अब आते हैं और नीचे, ट्रैकिया को नीचे की ओर और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ब्रैंकियोल्स कहा जाता है, यानी ब्रांचेस जो होती है, तो ब्रांचेस में छोटे छोटे जैसे आपको लगेगा अंगूर के गुच्छों की तरह कुछ चैम्बर दिखाई देते हैं, और यह चैम्बर इतना अधिक होता है कि शायद इसे गिनना मुश्किल हो जाता है, इसे हम एल्वोलाई कहते हैं। कई परीक्षाओं में यह पूछा गया एल्वोलाई किसका पार्ट है, तो आपका सिंपल उत्तर होगा रेस्पिरेशन यानी श्वसन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आप जानते हैं अगर हमने कोई भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ली है तो वह पहले फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से ब्लड में जाती है, रक्त में जाती है, और रक्त उसको पूरे शरीर में घुमा देता है। तो हमारे कहने का यहाँ पे सिर्फ सामान्य मतलब है, पहले आपकी ऑक्सीजन चैम्बर एल्वोलाई में आएगी, हम इसे वायु कोष्ठक के नाम से जानते हैं, फिर इसके बाद ये जो रक्त नलिका है इसमें आती है, और रक्त नलिका में आने के बाद यह पूरे शरीर में घूम जाती है। जिस समय हम सांस लेते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच हो जाता है। मालूम है वो 56 इंच किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। और जैसे ही डायफ्राम यानी जैसे आपने गांव में देखा होगा ना, जो लोहार के यहाँ जो लोहा का काम करता है धुकनी होती है, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये आप जानिए, वो जो चैम्बर खुलता है तो बड़ी सी एयर फूंकता है, तो वैसे ही है हमारा, जैसे ही डायफ्राम चौड़ा होगा हमारे अंदर हवा भर जाएगी फेफड़ों में, और जैसे ही डायफ्राम छोटा होगा हमारा फेफड़ा अपने आप छोटा हो जाता है। तो डायफ्राम क्या है, वो एक तरीके से एक्सपेंड करने के लिए आपके फेफड़ों में लगा होता है। हमारे सभी अंग लगभग किसी न किसी झिल्ली से घिरे होते हैं, और हमारा फेफड़ा भी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत झिल्ली से घिरा होता है, उस झिल्ली का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा झिल्ली, इसे हम लोग प्लूरा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए आपके शरीर में ऑक्सीजन आ गई, कहाँ आई, एल्वोलाई में आ गई, वायु कोष्ठक में। अब ये वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन तो आ गई, अब इसको जाना कहां है, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में जाना है, रक्त नलिका में जाना है,
तो चलिए ले जाते हैं। कैसे जाएगा? मान लीजिए इस जगह पर ऑक्सीजन आ गई है, अब इस ऑक्सीजन को हम ब्लड वेसल्स में कैसे लाएंगे? तो आप लोगों ने कभी ना कभी प्रेशर डिफरेंस का नाम सुना होगा, दाबांतर का नाम सुना होगा। तो मालूम होगा जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय किस जगह का दाब सर्वाधिक होगा, प्रेशर सर्वाधिक होगा, तो उस समय का दाब सर्वाधिक कहां होगा? एल्वोलाई में। तो इस प्रकार से क्या होगा, एल्वोलाई में हाई प्रेशर होगा और ब्लड वेसल्स में लो प्रेशर होगा। तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कभी भी कोई भी मूवमेंट होता है प्रेशर का, वो हायर टू लोअर होता है, ना कि लोअर टू हायर होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऑक्सीजन वायुकोष्ठक से रक्त नलिका में आती है तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और ऐसे ही ब्लड से आपके शरीर में, और सिर्फ शरीर से आपके ब्लड से सेल में आती है, कोशिका में, और कोशिका में पहले से ही ग्लूकोज मौजूद है, और अब हम इसको ऑक्सीजन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में जला देंगे और फिर आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम है एनर्जी। तो ऑक्सीजन के बिना खाना अधूरा है और खाने के बिना ऑक्सीजन अधूरी है। तो ध्यान रखिए और याद रखिए, सांस लेने का मुख्य उद्देश्य है क्या? केवल और केवल भोजन को जला देना और जला करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना। लेकिन जब ग्लूकोज जलता है तो CO2 बनता है, और उस CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और अगर हम इस CO2 को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो यह हमारे शरीर में कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा और हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। इसीलिए इस CO2 को शरीर से तुरंत बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। यानी जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तुरंत CO2 का निर्माण होता है, और यह CO2 रक्त नलिकाओं के माध्यम से एल्वोलाई में आती है, और एल्वोलाई से फिर आपके फेफड़ों से, और फिर इसके बाद हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो अब बताइए CO2 का हाई प्रेशर कहां होगा? ब्लड वेसल्स में, और जैसे ही CO2 ऊपर की ओर जाएगी ये लो प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यानी दाबांतर के कारण ही हमारे शरीर में फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन चली जाती है, और रक्त से ऑक्सीजन CO2 आपके फेफड़ों में चली जाती है, और फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। हम अधिकतम कौन सी गैस शरीर के अंदर ले जाते हैं? तो आप कहोगे ऑक्सीजन। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अंदर ले जाते हैं, लेकिन उस नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, इसीलिए हम जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना पूरा निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, 17% हमारे लिए यूजलेस होती है। ग्लूकोज को जलाने में हम सिर्फ 4% का ही उपयोग करते हैं, और फिर 4% ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ करके आपको 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और हम इसे अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हम एक बार सांस लेते हैं तो कितना समय लगता है? देखिए, एक बार सांस लेने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, हो गया एक बार सांस। लेकिन आप कहोगे सर हम ये 5 सेकंड तो नहीं लगा। तो देखिए आप, तो इस तरह तो 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब सांस लें तो आपको पता भी ना चले कि आप सांस ले रहे हैं, और अगर आपको याद होगा कि आप सांस ले रहे हैं उस कंडीशन में आपको इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी कि आप सांस लेने की प्रक्रिया को इतना स्लो कर देंगे। इसीलिए 5 सेकंड कम से कम दीजिए एक बार ऑक्सीजन अंदर ले जाने में और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में। तो होता क्या है, हो गया 5 सेकंड, और 5 सेकंड हो गया तो फिर आपका ऑक्सीजन अंदर भी चला गया, उस ऑक्सीजन का उपयोग भी हो गया और काम भी हो गया। अभी हाल ही के एक रिसर्च में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने एक बात को सिद्ध किया है। अक्सर क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। उड़ाना भी चाहिए,
क्योंकि लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। तो जब व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न समझता है तो क्या करता है, मॉडर्न का मतलब ही वो इंग्लिश शब्द से जोड़ता है, लेकिन जो संस्कृत और हिंदी बोलता है उसको वो बैकवर्ड की श्रेणी में लाके रख देता है। अभी हाल ही में एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि जो कार्डियक होता है यानी आपका जो हार्ट है उसके लिए ब्रीथिंग बहुत जरूरी है और हाई लेवल ब्रीथिंग बहुत जरूरी है, और उसी हाई लेवल ब्रीथिंग को हमारे यहां पुराणों में और योग के माध्यम से, पतंजलि ने जब योग के माध्यम से समझाया था लोगों को, उसी को हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। तो सोचिए अनुलोम विलोम को आज किसी अंग्रेज ने डिफाइन कर दिया हार्ट के लिए अच्छा है तो वो मॉडर्न हो गया, और हमारी परंपरा हमें योग करने के लिए कहती है तो हम बैकवर्ड हो गए। यानी खोता होता कुछ नहीं है, विदेशों में हमारे यहाँ योग को लेकर के काफ़ी सकारात्मक विचार हैं लोगों के, लेकिन हमारे यहाँ अनुलोम विलोम या जो जितने भी प्रकार के योग होते हैं उसको लेकर के हमारे हिंदुस्तान में लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मरीज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार योग के माध्यम से हार्ट को कैसे सही रखा जा सकता है। बहुत आसान है, एक नाक बंद करिए दूसरे से सांस लीजिए, और एक आंख बंद करिए फिर दूसरे से सांस लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते जाइए। उससे क्या होगा, अधिकतम ऑक्सीजन आपके हार्ट तक पहुंचेगी और आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके हार्ट में पहुंचेगा उतना ज़्यादा आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, इसीलिए फेफड़ों को स्वस्थ रहिए, आप स्मोकिंग क्विट कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके सिगरेट छोड़ दीजिए, शुद्ध हवा में जीने की कोशिश करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और फेफड़े भी स्वस्थ रहें और हृदय भी स्वस्थ रहे, और साथ ही साथ जीवन स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो फिर इसके बाद देश स्वस्थ रहेगा। अगली वीडियो तक जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपको आगे भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए गवर्नमेंट जॉब एकेडमी से, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका भविष्य हम बना सकें। नमस्कार।